दरभंगा सोनाली फोगाट मामले की जांच के लिए गोवा पुलिस की कई टीम हरियाणा और चंडीगढ़ पहुंचेंगी और गोवा के सीएम ने सोनाली मामले की जांच का दायरा बढ़ाने का आदेश दे दिया है। गोवा पुलिस सबसे पहले हिसार, फिर गुरुग्राम और उसके बाद आदमपुर में भी जाएगी। इसके अलावा गोवा पुलिस की टीम रोहतक भी पहुंचेगी और रात को हिसार वापस लौटेगी। साथ ही गोवा पुलिस की FSL टीम चंडीगढ़ भी पहुंचेगी। तो लगातार कई टीमें गोवा पुलिस की अलग अलग जगहों पर जाएंगी और वहां पर सोनाली फोगाट के जो परिजन हैं, खासतौर पर वो हिसार में उनके फार्म हाउस पर ही ठहरे हुए हैं और वहां पर भी वो पहुंचेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। और इस दौरान इस पूरे मसले को लेकर गोवा के सीएम ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस ने हत्याकांड और NDPS के दो मामले दर्ज किए हैं। 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जांच काफी तेजी से बढ़ रही है। इस पूरे मामले पर अपडेट देने के लिए खुद हमारे साथ गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, क्या डेवलपमेंट है सर अभी तक? हमने DYSP लेवल ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में लगाया है और ही इज डूइंग द इन्वेस्टिगेशन और हमारा PI और PI के साथ में बाकी टीम हरियाणा के लिए रवाना हो गई है। अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सर, डे 1 से विक्टिम फैमिली क्लेम करे कि इस पे CBI की जांच होनी चाहिए और अब हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज वो भी कह रहे हैं कि CBI की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। स्टेटस रिपोर्ट पुलिस DG ने आपको दी, आपने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ शेयर किए, क्या स्टेटस लगता है? मैंने हरियाणा CM को इस बार केस के बारे में अपडेट किया है और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे कुछ लगा उसको यानी केस के बारे में तो बाद में इसके बारे में हम सोचेंगे। और इस बीच न्यूज 18 की टीम ने सोनाली फोगाट के PSO मंदीप से भी बात की है, जो कि पिछले 6 महीने से सोनाली फोगाट के साथ काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त की शाम उन्हें फ्री कर दिया गया था और 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत की खबर दोस्त से मिली थी। तो जो PSO हैं उनसे बातचीत की है यहाँ पर, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन लगातार जो कई तार हैं वो अब जोड़ने की कोशिश यहाँ पर गोवा पुलिस करेगी जरूर, क्योंकि गोवा पुलिस पहुंचेगी और ऐसे में जो PSO है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ सोनाली फोगाट के जो PSO थे, जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मंदीप उनका नाम है। मंदीप, आप क्योंकि कहा जा रहा है कि गुड़गांव गए थे, तो कब आप गुड़गांव गए, उसके बाद क्या हुआ? मैडम जी, मैं 20 तारीख को गए थे मैडम के साथ, मैं, सुधीर और मैडम जी, और 20 तारीख को वहाँ पलवल प्रोग्राम करके 21 के रात को हम वहाँ पहुँच गए थे जी, और 21 को शाम को 5:30 बजे के लगभग मैं वहाँ से चल पड़ा था फ्लैट से वापस और मेरे को वहाँ से फ्री कर दिया था जी। यानी कि आपको वहाँ से फ्री कर दिया गया था और उसके बाद आप यहाँ पर कब वापस आए? 1-2 दिन रुक के गुड़गांव में वापस आ गया जी मैं यहाँ पर जी। उनकी जो मौत की खबर है वो आप तक कब पहुँची? 23 को 8:30-9:10 बजे के लगभग मैंने किसी दोस्त के माध्यम से पहुंची थी। यानी कि दोस्त के माध्यम से पहुंची थी। अच्छा, काफ़ी लंबा वक्त आपने उनके साथ बिताया है, कितने साल आपको उनके साथ काम करते हुए अभी फिलहाल? लगातार 6 महीने हो गए। अच्छा ठीक है, 6 महीने में आपने ऐसा कुछ देखा जो व्यवहार था सुधीर सांगवान का और जो सोनाली फोगाट का व्यवहार था, उनके आपसी व्यवहार में कोई बदलाव या कुछ ऐसा आपने देखा? नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहते थे जी, कोई ऐसा व्यवहार में कोई दो नहीं थी जी, मेरे प्रति दोनों का ही बहुत बढ़िया व्यवहार था। यानी कि दोनों का आपसी व्यवहार जो था वो ठीक ठाक था आपके हिसाब से। लेकिन इस बीच क्योंकि आपको आपको फ्री कर दिया गया था, आपको मौत की खबर जब आती है तो उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उस बीच आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ आपको वापस क्यों भेजा गया, आखिर कुछ ऐसी गड़बड़ आपको उस वक्त लगी जब आपको ये कहा गया है कि आपको फ्री कर दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मैडम जी, सब नॉर्मल था बिल्कुल, मतलब आराम से नॉर्मल गए थे, वो कोई बात नहीं लग रही थी ऐसी। और उधर इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंचे और परिवार को उन्होंने सांत्वना दी। इस दौरान अभय चौटाला ने सोनाली फोगाट केस की CBI जांच की मांग की है। क्या कुछ उनका कहना है वो एक बार आपको सुनाते हैं। कि जो इन्वेस्टिगेशन उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसकी जाँच CBI से होनी चाहिए, जो परिवार डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बात मुख्यमंत्री ने कही भी है कि अगर इनका परिवार जांच की मांग करेगा तो हम गोवा गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखेंगे। गोवा में BJP की गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी BJP की गवर्नमेंट है। सोनाली खुद एक BJP की बड़ा चेहरा थी, तो फिर CBI से जांच में देरी क्यों है? किस चीज़ की चिटाट करनी चाहिए? मुख्यमंत्री को तुरंत ही इसके ऊपर चिट्ठी लिखनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कहा जा रहा है कि पूरा साजिश के तहत हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट? तो जांच से ही पता लगेगा, जब इसकी जांच होगी तब तक CBI के लोग जाएंगे या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी वही बता पाएगी।
अभी परिवार वालों से आपसे आपकी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, आपकी ओर से क्या आश्वासन उनको दिया गया, उनका क्या कहना था? परिवार के लोगों को सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, अभी भी यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ विश्वास दिया जा रहा है, हमें नहीं लगता कि सरकार कोई इसकी सीबीआई से जांच कराएगी। जांच करानी चाहिए, जांच में देरी नहीं करनी चाहिए। और सोनाली फोगाट के बड़े भाई वतन ढाका का ये दावा है कि सोनाली फोगाट के पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान ने ये पूरी साजिश रची। परिवार को मौत के बारे में भी सुधीर सांगवान ने ही बताया था। उनका ये भी कहना था कि उनकी हर एक डिटेल, हर एक जानकारी केवल सुधीर सांगवान के जरिए ही उन तक पहुंचती थी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। तो वतन ढाका जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोनाली फोगाट के बड़े भैया हैं। आपको कब पता चला कि उनकी मौत हुई है, कैसे पता चला, किन सोर्सों के जरिए पता चला? सुबह का टाइम था, जैसे मेरी तबीयत खराब थी 5-7 दिन से, तो मेरे को ये नहीं पता सुबह के शाम, जैसे फोन आता है सुधीर सांगवान का मेरे फोन पे, मैंने देखा फोन आ रहा है, मैंने उठाया, हेलो, तो उन्होंने बोला जी सोनाली जी का हार्ट अटैक हो गया और वो अभी नहीं रहे, बस ये बात कही मैंने, फिर फोन कट हो गया। मैंने ये बात भाई को बताई, उसके तुरंत बाद मैंने भाई को कहा भी तू निकल गया, फिर वो भाई वहाँ से निकले घर से। तो आपकी क्या वैसे बातचीत होती थी सोनाली फोगाट से, या उसको भी सुधीर सांगवान जी के थ्रू ही आप करते थे बातचीत? नहीं नहीं, ऐसा देखो कई बार बिजी होते थे, ये नहीं पता वो होते कि नहीं होते, लेकिन मैसेज वो हमें यही देता था, अभी मैडम बिजी है, मैं कोई इन फरियों की बात करना, जैसे कोई जरूरी काम होता तो फिर मैं घर आ जाता था, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं सिस्टर के साथ जब से वो बीजेपी में, यहाँ उन्होंने 2014 का चुनाव था, उससे पहले जब से मैं उनके साथ हूँ। दिल्ली में आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का हंगामा जारी है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास जमकर प्रदर्शन किया और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। हालांकि आगे दूसरी बैरिकेडिंग भी की गई थी, जहां पर उन्हें रोक दिया गया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में प्रदर्शनकारी काफी देर तक सड़क पर जोरदार हंगामा करते रहे। रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति के अलावा दूसरी योजनाओं में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हर स्टेज पर एक साल इनको काम करने दिया गया था और इन्होंने दबा के भ्रष्टाचार किया। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति की आड़ में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है, और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कुछ और झटके लगे। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस के 60 से ज्यादा नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और पूर्व डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर अली शामिल रहे। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने बताया कि अब जल्द आजाद के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया जाएगा। आजाद साहब नई पार्टी बनाएंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार रविवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे, जहां वो एक मार्च भी निकालेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आधी रात के सुनाए फैसले में हुबली के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव की मंजूरी दे दी है। ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका ने को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को मंजूरी देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने देर रात तक सुनवाई की और ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी। एलएसी पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने की खबर है। चीन की सेना ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो भारतीय फौज को उकसाने वाली हैं। वो भी तब जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। लेकिन फिर भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय फौज को उकसाने वाली हरकत की है। एक तरफ दोनों देशों की फौज के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के 16 राउंड हो चुके हैं, दूसरी तरफ चीन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बार विवाद पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में हुआ। ये जगह भारत की है, जिस पर हमेशा से भारत का कब्जा रहा है। लेकिन 21 अगस्त को जब लद्दाख के कुछ चरवाहे वहां अपने जानवरों के साथ पहुंचे, तो चीन के सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और उस जगह पर अपना कब्जा होने का दावा कर दिया। चीनी पीएलए ने भारतीय चरवाहों को पशु चराने से रोक दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इस मसले को साथ के साथ स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया। इससे पहले 2019 में भी चीन ने कुछ ऐसी ही हरकतें की थी। उस वक्त भी चरवाहों को भारत की जमीन से ही खदेड़ने की घटनाएं सामने आई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि दोनों सेनाओं में तनाव बढ़ता चला गया और 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी। एक बार फिर चीन की सेना की हरकतें किसी बड़ी घटना की वजह बन सकती हैं, क्योंकि पहले से पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और किसी भी सूरत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रफाल, मिराज और मिग 29 की न सिर्फ तैनाती की गई है,
बल्कि भारत के फाइटर जेट रात के अंधेरे में भी उड़ाने भर रहे हैं। पहले भी डेमचोक इलाके में चीन की सेना ऐसी ही शरारतें कर चुकी है, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई की खबरें आई थी। इस बार हालात पहले से अलग हैं। भारत पहले से ज्यादा तैयार है। दूसरी तरफ चीन भी बार बार भारतीय फौज को उकसाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। भारत के चरवाहों को रोकने से पहले चीन के लड़ाकू जहाज भी भारत को उकसाने वाली हरकतें कर चुके हैं। कई बार चीन के जंगी जहाज LAC के बेहद करीब उड़ान भर चुके हैं। हालांकि हर बार भारत ने संयम से काम लेते हुए टकराव को टालने की कोशिश की है, लेकिन इस बार चीन की ये हरकतें किसी बड़े विवाद की वजह बन सकती है। अंकिता हत्याकांड पर रांची हाईकोर्ट सख्त हो गई। झारखंड के दुमका में हुई अंकिता की मौत पर हाईकोर्ट ने खुद सुनवाई की और मामले की पूरी जानकारी देने के लिए DGP को तलब किया। सुरेंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की एक SIT बना दी, जिसने केस से जुड़े सबूत जुटाने शुरू कर दिए। धनबाद में ABVP से जुड़े कई छात्रों ने प्रदर्शन किया और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। आरोप है कि शाहरुख नाम के एक लड़के ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। हेमंत सोरेन के 31 विधायकों की रायपुर के एक रिजॉर्ट में आवभगत को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और झारखंड CM हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए विधायकों के लिए सरकारी गाड़ी से शराब पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि रायपुर पहुंचे हुए हैं हेमंत सोरेन के 31 विधायक, जिनकी आवभगत में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार लगी हुई है और ऐसे में बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल शराब पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, तमाम विधायकों की आवभगत का इंतजाम किया जा रहा है। वही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर रायपुर के एक रिजॉर्ट में रुके हेमंत सोरेन के विधायकों के लिए सरकारी खर्च पर शराब पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। रमन सिंह ने बकायदा एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा इन अनैतिक कार्यों के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। वहीं रायपुर के रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी गाड़ी से शराब पहुंचाने के आरोपों को लेकर बीजेपी ने भूपेश सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस शराबबंदी का वादा कर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई थी, अब वही नैतिकता को भुलाकर दूसरे प्रदेश से आए विधायकों को शराब परोस रही है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अपनी नैतिकता को भरे बाजार में बेच दिया है, शर्म को भी बेच दिया है। ये वही लोग थे जिन्होंने शराबबंदी के नाम पे सरकार बनाई, बम्पर वोट पाया। आज प्रदेश में इंतजाम अली की भूमिका में नजर आ रहे हैं। झारखंड के विधायकों को सरकारी गाड़ी में शराब पिलाया जा रहा है, अय्याशी करवाया जा रहा है। प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोग आंदोलन कर रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, और राज्य सरकार लगातार इस प्रकार के अपना विकृत चेहरा यहाँ पर दिखा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बिहार से, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की। कार्तिक सिंह से कानून मंत्रालय हटा लिया गया है। कार्तिक सिंह पर अपहरण का आरोप है और कोर्ट उनको लेकर वारंट जारी कर चुका है। बिहार CM नीतीश कुमार ने कार्तिक सिंह को कानून मंत्री के पद से हटा दिया है और शमीम अहमद को विधि मंत्री बनाया गया है। कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने के बाद विपक्ष ने जमकर बवाल किया था। कार्तिक सिंह अपहरण के एक मामले में कोर्ट से वारंट होने का आरोप उन पर लगा था और कोर्ट ने उनको लेकर वारंट जारी किया हुआ है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष उन पर हमलावर था और अब उनसे ये पद ले लिया गया है। वहीं झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। रांची एयरपोर्ट पर आज हेमंत सोरेन ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस और JMM के MLA दारू पैसा और आग्नेय अस्त्र लेकर बिना सुरक्षा जांच के सीधे हवाई जहाज पर रायपुर गए। ये उन्होंने ट्वीट किया और आगे लिखा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्रालय इसका संज्ञान ले। इराक के बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान ने वहां दंगा ही करा दिया। इराक पहले ही लंबे वक्त से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, उस पर मुक्तदा अल सदर के फैसले से समर्थक ऐसे भड़के कि वो सुरक्षा बल और अपने विरोधी गुट से भिड़ गए। इस वजह से लगातार दूसरे दिन राजधानी बगदाद में इतना बारूद बरसा कि अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है। और सामने आई तस्वीरों में इराक के जाने माने शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक अपने नेता के लिए किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार दिखे।
सामने सेना की बख्तरबंद गाड़ियां थीं तो मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वो मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते दिखे। महिलाएं तक पीछे नहीं रहीं। बुर्का पहनी एक महिला तो हाथ में पिस्तौल लिए सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग करती नजर आई। हिंसा की ये इतनी भयानक आग है जो बगदाद ने बरसों बाद देखी है, और इस आग ने राजनीतिक संकट के भंवर में फंसे इराक में हालात बदतर कर दिए हैं। मुक्तदा अल-सदर के समर्थकों ने बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन को घेर लिया है और अब वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स बगदाद के ग्रीन जोन में ही है और दूसरे देशों के दूतावास भी। अब मुक्तदा अल-सदर अमेरिका के बेहद कट्टर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका ने तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट ही करा लिया। उसी ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारी सत्ता अपने हाथ में लेने पर उतारू दिखे। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ थे कि उन्हें देखकर सुरक्षा बल के जवान ही खौफ से भर गए। एक शख्स तो सुरक्षा बल के बिल्कुल बगल में तनकर ऐसी धुआंधार गोलीबारी करता नजर आया कि सुरक्षा बल के जवान ही थर थर कांपने लगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुक्तदा अल-सदर के समर्थकों को रोक सके, उल्टा एक जवान तो अपने एक साथी को ही अपनी तरफ खींचता दिखा ताकि कहीं गोली उसे न लग जाए। बल्कि एक रोज पहले तो बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई थी उन्होंने इराक के चरमराए पॉलिटिकल सिस्टम की कलई खोल कर रख दी थी, क्योंकि मुक्तदा अल-सदर के समर्थक इराक के गवर्नमेंट पैलेस के अंदर ही घुस गए थे और वहां पंचायत लगाए बैठे दिखे। वो वहां झूमते नजर आए, वहां रखी कुर्सियों पर बैठकर नेताओं की एक्टिंग करते दिखे। यहां तक कि उन्होंने बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद एक सरकारी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल को वाटर पार्क बना दिया था। सुबह शुरू हुआ बवाल पूरी रात चलता रहा और कान फाड़ गोलीबारी ने पूरे बगदाद को दहला दिया। इराक की संसद के पास तो गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर किसी को डरा दिया। एक जगह तो आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त फायरिंग होती नजर आई कि जान बचाने के लिए लोग सड़क पर ही लेट गए। वैसे इराक में जो हंगामा अब हो रहा है उसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में ही पड़ गई थी। तब वहां 329 सीट वाली संसद के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन उस चुनाव का कोई नतीजा नहीं निकला था क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था। मुक्तदा अल-सदर का गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जरूर जीता था, लेकिन वो सीटें उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में नाकाफी थी, इसलिए दूसरे सबसे बड़े गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यह हुई कि ये जो दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन है वो ईरान का समर्थक है, और मुक्तदा अल-सदर की राजनीति ही इस बात पर टिकी है कि वो इराक के आंतरिक मामलों से ईरान और अमेरिका का दखल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब वो ईरान के साथी थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इमेज एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर बना ली, और जब 10 महीने बाद भी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश फेल रही तो मुक्तदा अल-सदर ने राजनीति छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात उनके समर्थकों को नागवार गुजरी और उन्होंने विरोधी गुट और इराक के सुरक्षा बल के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। जम्मू में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने एक रोड शो किया और पार्टी को एकजुट बताया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक नवजात को बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनमें एक निजी अस्पताल का मालिक भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सतना में कुछ पशुओं को पीट पीट कर नदी में बहाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर के एक रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी गाड़ी से शराब ले जाने के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भी सफाई सामने आ गई है। कांग्रेस ने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद रिजॉर्ट के बाहर छत्तीसगढ़ की सरकारी गाड़ी में रखी शराब की वीडियो को एडिटेड बताते हुए संदेहजनक उन्होंने बताया है और कहा है कि इसका छत्तीसगढ़ की सरकार या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के कई सारे विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद हैं, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उनकी आवभगत के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो की सत्यता पे संदेह, यह वीडियो एडिटेड है, यह वीडियो कहाँ पे बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, ये तमाम चीजें अभी अन्वेषण का विषय है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस वीडियो का सरकार और कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के बीच चिकन बनाने पर हंगामा मच गया। असल में कुछ लड़के एक नाव पर चिकन बना रहे थे, जिनका वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। वीडियो में कुछ लड़के गंगा नदी पर तैरती नाव में हुक्का पीते और चिकन बनाते दिखाई दिए।
जिसके बाद अयोध्या समेत कई जगहों के साधु संतों ने इस पर नाराजगी जताई। गंगा में अगर जो है चिकन पार्टी हो रही है तो यह सभी सनातनियों का अपमान है। अयोध्या के अलावा अमेठी में भी इसका विरोध देखने को मिला। वहां संतों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया। आरोप लगाया गया कि वीडियो में दिखने वाले लड़के दूसरे समुदाय से हैं, जिसके बाद संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पर एक्शन लेने की मांग भी की। वहीं प्रयागराज पुलिस ने बवाल के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी। शराब नीति विवाद में अब अन्ना हजारे की एंट्री हो गई। अन्ना हजारे ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सीएम अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा और आम आदमी पार्टी पर आदर्श विचारधारा को भूलने का आरोप भी लगा दिया। नीति बनाए वो गलत बनाए ना, वो गलत बनाए, इसलिए तो मैंने लेटर लिखा। अन्ना हजारे के खत के बहाने बीजेपी को केजरीवाल सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। स्वराज की बात करके शराब राज पे पहुंच गए। अन्ना हजारे के खत के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया और इशारों में बीजेपी पर अन्ना हजारे को इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। दुमका में अंकिता नाम की छात्रा की जलाकर हत्या किए जाने के मामले में महिला आयोग की टीम झारखंड पहुंच चुकी है। आज महिला आयोग की टीम दुमका पहुंचेगी और अंकिता के परिवार से मुलाकात करेगी। मंगलवार को एनसीडब्ल्यू की टीम ने झारखंड के डीजीपी से मुलाकात की थी। दुमका में तनाव को देखते हुए अभी धारा 144 लागू है और जिला प्रशासन हालातों पर कड़ी नजर बनाए हुए है ताकि कोई भी तरीके की अनहोनी वहां पर ना हो सके। और ऐसे में जो एनसीडब्ल्यू की टीम है आज जो लड़की का परिवार था उसके परिजनों से मुलाकात करेगी। हालांकि दुमका में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में धारा 144 वहां पर अब भी लागू है। और अंकिता की हत्या के बाद से पूरे झारखंड में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अलग अलग जिलों में लगातार अंकिता के लिए इंसाफ की मांग तेज होती जा रही है। वारदात से गुस्साए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी शाहरुख के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। कई जगह लोगों ने सीएम का पुतला जलाकर भी अपना विरोध दर्ज करवाया। झारखंड के जामताड़ा में अंकिता हत्याकांड का विरोध देखने को मिला। वहां बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता झारखंड सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा बीजेपी के लोगों ने हत्याकांड की जांच में देर करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी फूंका, जिसके लिए उन लोगों ने पहले पुतले को आग लगाई और फिर उस पर डंडों से कई वार भी की। वहीं साहिबगंज में भी लोगों ने इस हत्याकांड का विरोध किया। वहां गांव वालों ने इसके खिलाफ रैली निकालकर जल्द से जल्द आरोपी को फांसी देने की मांग की। जामताड़ा जिला के सभी हिंदू और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग अंकिता सिंह के परिजन के साथ हैं। हम लोग उनको न्याय दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कुछ संदिग्ध देखे गए। पुंछ के मेडर सेक्टर में सेना और पुलिस ने आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। रामबन में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व आतंकी मोहम्मद अमीन को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे जम्मू की कोट भलवाल जेल भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से भेजे गए ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। इसके तहत अब ड्रग्स की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही युवाओं की नशे की लत छुड़ाने के लिए कई सेंटर भी खोले गए। इस लेवल पे जो है इस नेटवर्क को हम शिकंजे में कस सके। राज्य में बीजेपी की एक महिला नेता के घर से पुलिस ने एक लड़की का रेस्क्यू किया है। 8 साल तक लड़की को बंधक बनाकर वहां पर रखा गया था। महिला नेता रिटायर्ड आईएएस की पत्नी भी है। पीड़िता ने एक सरकारी कर्मचारी को मैसेज भेजकर मदद मांगी थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी बीजेपी नेता के घर पहुंची और लड़की का रेस्क्यू किया गया। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। जो बेड है ना मारती थी बेड था ना। हाँ, और इजो, इजो वही मारी मैडम। सीमा पता अब जानते हुए गर्म तवा चला चला के मारी। भारतीय वायुसेना राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर पहले स्वदेशी LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात करने जा रही। ये सेना का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जिसकी तैनाती के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर की निगरानी आसानी से की जा सकेगी, जिससे न सिर्फ घुसपैठ रुकेगी बल्कि आतंकी गतिविधियों पर भी आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी। असल में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में 2 सितंबर को नौसेना में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को शामिल किया जाएगा और LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स लेने की योजना है। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन्हें LAC के पास भी तैनात किया जाएगा ताकि चीन की चालबाजी पर लगाम लगाने में मदद मिल सके।
मतलब ये कि ये स्वदेशी हमलावर हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए काल साबित होंगे, क्योंकि इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर से ऐसी मिसाइल दागी जा सकती है जो टारगेट को खत्म करके ही दम लेती है। यानी इस हेलीकॉप्टर में लगाई गई मिसाइल फायर करो और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है, और इसके लिए हेलीकॉप्टर को निशाने की तरफ मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मिसाइल छूटने के बाद खुद टारगेट को ढूंढ लेती है। इसके साथ ही ये 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में उड़ान भर सकता है। करीब 5,800 किलोग्राम वजनी ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर 700 किलोग्राम से ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है। डायरेक्टर कमाल खान को जेल भेज दिया गया। मुंबई पुलिस ने विवादास्पद ट्वीट के आरोपों में अभिनेता कमाल राशिद खान को देश लौटते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई मेट्रो के तीसरे चरण के ट्रायल रन का उद्घाटन किया। एचएस प्रणॉय जीत के साथ जापान ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुक्तदा अल सदर के समर्थकों को रोक सके, उल्टा एक जवान तो अपने एक साथी को ही अपनी तरफ खींचता दिखा ताकि कहीं गोली उसे न लग जाए, बल्कि एक भी। इराक में शिया धर्मगुरु अल सदर के राजनीतिक संन्यास लेने के ऐलान के बाद हालात खराब हो गए हैं। बगदाद के ग्रीन जोन पर अल सदर के समर्थकों ने जमकर हिंसा की है, जिसमें 30 लोगों की मौत हो चुकी है। धर्मगुरु अल सदर ने समर्थकों से शांति की अपील की, जिसके बाद देर रात से समर्थकों ने ग्रीन जोन खाली करना शुरू कर दिया है, लेकिन इराक के बाकी शहरों में अभी भी हिंसा जारी है। वहां के ग्रीन जोन में समर्थक जो थे वो वहां पहुंच गए थे, जिसके बाद लगातार उनकी ओर से हंगामा किया गया था। हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि जो अमेरिकी दूतावास वहां पर है वहां से कई सारे अधिकारियों का रेस्क्यू भी करना पड़ा था। इराक के बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान ने वहां दंगा ही करा दिया। इराक पहले ही लंबे वक्त से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, उस पर मुक्तदा अल सदर के फैसले से समर्थक ऐसे भड़के कि वो सुरक्षा बल और अपने विरोधी गुट से भिड़ गए। इस वजह से लगातार दूसरे दिन राजधानी बगदाद में इतना बारूद बरसा कि अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है। और सामने आई तस्वीरों में इराक के जाने माने शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक अपने नेता के लिए किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार दिखे। सामने सेना की बख्तरबंद गाड़ियां थीं तो मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वो मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते दिखे। महिलाएं तक पीछे नहीं रहीं। बुर्का पहनी एक महिला तो हाथ में पिस्तौल लिए सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग करती नजर आई। हिंसा की ये इतनी भयानक आग है जो बगदाद ने बरसों बाद देखी है, और इस आग ने राजनीतिक संकट के भंवर में फंसे इराक में हालात बदतर कर दिए हैं। मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन को घेर लिया है और अब वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स बगदाद के ग्रीन जोन में ही है और दूसरे देशों के दूतावास भी। अब मुक्तदा अल सदर अमेरिका के बेहद कट्टर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका ने तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट ही करा लिया। उसी ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारी सत्ता अपने हाथ में लेने पर उतारू दिखे। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ थे कि उन्हें देखकर सुरक्षा बल के जवान ही खौफ से भर गए। एक शख्स तो सुरक्षा बल के बिल्कुल बगल में तनकर ऐसी धुआंधार गोलीबारी करता नजर आया कि सुरक्षा बल के जवान ही थर थर कांपने लगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुक्तदा अल सदर के समर्थकों को रोक सके, उल्टा एक जवान तो अपने एक साथी को ही अपनी तरफ खींचता दिखा ताकि कहीं गोली उसे न लग जाए, बल्कि एक रोज पहले तो बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई थी उन्होंने इराक के चरमराए पॉलिटिकल सिस्टम की कलई खोल कर रख दी थी, क्योंकि मुक्तदा अल सदर के समर्थक इराक के गवर्नमेंट पैलेस के अंदर ही घुस गए थे और वहां पंचायत लगाए बैठे दिखे। वो वहां झूमते नजर आए, वहां रखी कुर्सियों पर बैठकर नेताओं की एक्टिंग करते दिखे। यहां तक कि उन्होंने बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद एक सरकारी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल को वाटर पार्क बना दिया था। सुबह शुरू हुआ बवाल पूरी रात चलता रहा और कान फाड़ गोलीबारी ने पूरे बगदाद को दहला दिया। इराक की संसद के पास तो गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर किसी को डरा दिया। एक जगह तो आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त फायरिंग होती नजर आई कि जान बचाने के लिए लोग सड़क पर ही लेट गए।
वैसे इराक में जो हंगामा अब हो रहा है उसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में ही पड़ गई थी। तब वहां 329 सीट वाली संसद के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन उस चुनाव का कोई नतीजा नहीं निकला था क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था। मुक्तदा अल-सदर का गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जरूर जीता था, लेकिन वो सीटें उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में नाकाफी थी, इसलिए दूसरे सबसे बड़े गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यह हुई कि ये जो दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन है वो ईरान का समर्थक है, और मुक्तदा अल-सदर की राजनीति ही इस बात पर टिकी है कि वो इराक के आंतरिक मामलों से ईरान और अमेरिका का दखल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब वो ईरान के साथी थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इमेज एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर बना ली, और जब 10 महीने बाद भी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश फेल रही तो मुक्तदा अल-सदर ने राजनीति छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात उनके समर्थकों को नागवार गुजरी और उन्होंने विरोधी गुट और इराक के सुरक्षा बल के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। जम्मू में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने एक रोड शो किया और पार्टी को एकजुट बताया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक नवजात को बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनमें एक निजी अस्पताल का मालिक भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सतना में कुछ पशुओं को पीट पीट कर नदी में बहाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से हादसे भी हो रहे हैं। उत्तरकाशी में टोंस नदी में एक वाहन गिर गया और हादसे में एक की मौत भी बताई जा रही है, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ड्राइवर अभी लापता है। जहां SDRF और पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। दरअसल उत्तरकाशी के मोरी से नेटवाड़ की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन बीच रास्ते में बेकाबू होकर टोंस नदी में गिर गई। इस सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में SDRF और पुलिस ने टोंस नदी में लोगों की तलाश शुरू की, जिसमें एक का शव बरामद हुआ। 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि ड्राइवर की तलाश की जा रही है। 5 लोगों में से 3 लोग सकुशल निकले और एक मृतक पाया गया। ड्राइवर जो उस गाड़ी का है उसकी डेड बॉडी अभी मिली नहीं है। वाहन में 5 लोग सवार थे, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई। कुछ जगहों पर तो सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों की जान पर बनाई, जिसकी एक तस्वीर आई सहारनपुर से। वहां नदी पर बने पुल को पार करना एक शख्स को महंगा पड़ गया, क्योंकि सैलाब में उसकी मोटरसाइकिल तिनके की तरह बहती नजर आई। बताया गया कि वहां इसी तरह कई गाड़ियां अटक गईं, जिन्हें गांव वालों की मदद से बाहर निकाला गया। उधर सहारनपुर के मशहूर शाकुंभरी देवी मंदिर में भी सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचाई। वहां तो मंदिर के रास्ते पर पानी का रेला देखकर ऐसा लगा मानो कोई छोटा डैम फूट पड़ा हो। इसमें कई कारें अटकी नजर आईं, जिनमें कुछ का तो इस सैलाब ने हुलिया ही बिगाड़ दिया। वहीं मिर्जापुर के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। दो बच्चे डूब गए हैं, इसलिए पानी में ना जाने दें। मिर्जापुर में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव दल के लोग उन्हें जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए नाव की मदद से उन तक पहुंचे। ऐसा इसलिए क्योंकि आसमान से बरसी आफत ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। वाराणसी में तो गंगा में आया उफान किनारे बने घाटों को लीलने पर आमादा दिखा, जिनमें नमो घाट भी शामिल था। वहां तो गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि बड़ी बड़ी मूर्तियों का सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिखाई दिया। वहीं घाट के किनारे बनाया गया CNG पंप भी गंगा के उफान में घिरा नजर आया। नमो घाट पूरी तरीके से माँ गंगा के उफान में जलस्तर में जलमग्न हो गया है। कुछ ऐसा ही नजारा खिड़किया घाट पर मौजूद जल विभाग के दफ्तर में भी दिखा। वहाँ पानी का प्रकोप ऐसा था कि सब कुछ तैरता दिखा। कई दिनों में तो लगातार बढ़ाओ, इस समय 72.14 है वाटर लेवल। खिड़किया घाट पर तो गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। वहाँ गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिसकी वजह से जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी ही नजर आया। भारत सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई और मॉर्गन स्टैनली ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP बढ़त दर 7% रहने का अनुमान जताया। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ऐसा होने पर एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम सबसे आगे होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के CM भगवंत मान सुबह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर का दौरा करेंगे, जहां वो महिलाओं के लिए बड़ा वादा कर सकते हैं। पटना में विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे DSP VK राउत के घर पर छापेमारी की। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। गंगा के ज्यादातर घाट डूब चुके हैं, वहीं गंगा पाथवे पर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा के तेज बहाव में कई जगह सड़कें टूट गई हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव में लोग चलने को मजबूर हैं।
लोग मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर से रास्ता पार करते नजर आए, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं इधर जहां खतरे का घंटी बना हुआ है, जो कि मतलब कि एक भी आदमी प्रशासन के रहें तो उसका रोका जा सकता है। पूरा यहां भद्र घाट से लेकर महावीर घाट तक पूरा जलमग्न हो गया है रोड, स्थिति दयनीय है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने भद्र घाट और महावीर घाट जाने वाले रास्ते पर बैरिकेटिंग की थी, लेकिन पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं होने की वजह से लोग बैरिकेटिंग तोड़कर गंगा पाथवे के रास्ते अभी भी वाहनों का परिचालन कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ बच्चे उफनती गंगा नदी में नहाते नजर आ रहे हैं, ऐसे में स्थानीय लोग प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। वहां बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों में उफान आ गया, जिसकी वजह से उधमपुर जिले के एक इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार की जान जाते जाते बची। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव के बीच मोटरसाइकिल से सड़क पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो आदमी मोटरसाइकिल समेत बहकर नाले के किनारे जा पहुंचा। इस घटना को देख वहां अफरा तफरी मच गई और लोग उसकी जान बचाने के लिए बहते सैलाब में कूद गए और वक्त रहते उसे बाहर निकाल लिया। ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे को पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी ने कोयला घोटाला मामले में टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा अभिषेक की रिश्तेदार मेनका गंभीर को भी ईडी ने सोमवार को पूछताछ के समन्स भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मामले से जुड़ी सभी तरह की याचिकाओं को बंद करने का फैसला लिया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी अवमानना याचिका को भी बंद कर दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि 2019 में आए फैसले के बाद इन याचिकाओं की कोई अहमियत नहीं है। यूपी के आगरा में एक बाइक पर बैठे कुछ बदमाश एक महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। राजस्थान के धौलपुर में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश से सड़कें लबालब भरी हुई हैं। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चंद घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिससे लोगों की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के निचले इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। हालांकि बारिश के पानी में कुछ बच्चे मस्ती करते हुए नजर आए। शहर में बाजार की सड़कें पानी से जलमग्न हो गई। कुछ दुकानों तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद दुकानदारों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी। बारिश की वजह से रेहड़ी पटरी वालों का बुरा हाल दिखाई दिया। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कार्तिक सिंह को कानून मंत्री पद से हटा दिया है और शमीम अहमद को विधि मंत्री बना दिया गया है। कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने के बाद विपक्ष ने जमकर उसके बाद हंगामा किया था और कार्तिक सिंह पर अपहरण के एक मामले में कोर्ट से वारंट होने का आरोप भी लगा था, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट इशू किया था, जिसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर था नीतीश सरकार पर और इसी वजह से यही कारणवश कार्तिक सिंह को पद से हटा दिया गया। तो विपक्ष के विरोध के बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है और कोर्ट इससे पहले वारंट जारी कर चुका है कार्तिक सिंह को लेकर। अपहरण का एक मामला था, उसको लेकर वारंट जारी कर चुका है, जिसके बाद अब मंत्री पद उनसे छीन लिया गया है और अब शमीम अहमद को विधि मंत्री बनाया गया है। कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया था। कार्तिक सिंह पर अपहरण के मामले में कोर्ट से वारंट होने का आरोप लगा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया नीतीश सरकार की ओर से, क्योंकि वो लगातार घिरते जा रहे थे, सवालों के घेरे में आते जा रहे थे जब से उनको मंत्री पद दिया था, क्योंकि अपहरण का एक मामला था जिसको लेकर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था और कार्तिक सिंह से उसके बाद अब उनका विभाग ले लिया गया वापस और उसकी जगह शमीम अहमद को ये विभाग सौंपा गया है। शमीम अहमद को विधि मंत्री बनाया गया है। तो कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने के बाद से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और कार्तिक सिंह पर आपको बता दें कि अपहरण के एक मामले में कोर्ट से वारंट होने का आरोप भी लगा था और इसी वजह से ये बड़ा फेरबदल यहां पर करने को नीतीश सरकार मजबूर होती है। तस्वीर भी आप देखिए, उसके बाद अब शमीम अहमद को ये पद सौंप दिया गया है। यही कार्तिक सिंह है जिन पर अपहरण के एक मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया था और इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली दी थी और कानून मंत्री थे बिहार के, लेकिन फिलहाल इनसे ये मंत्री पद ले लिया गया है वापस और शमीम अहमद को इस पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। विधि मंत्री उनको बना दिया गया है। कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने के बाद से लगातार विपक्ष हमलावर था नीतीश सरकार पर और इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं।
कर्नाटक के कई जिलों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। राजधानी बेंगलुरु में तो हालात बेहद खराब नजर आए, क्योंकि वहां हाईवे पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए थम गए। सैलाब के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करते दिखाई दिए। हाईवे पर चारों तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी हो। भारी बारिश के बाद पानी से भरे हाईवे से गुजरना मुश्किल दिखाई दिया। जगह जगह पानी भरने की वजह से लोगों को कई घंटे जैम से जूझना पड़ा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। खबर है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से इस पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने लेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की वकालत की। The elections will be a good thing for the Congress party. सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में सुबह गणेश उत्सव की इजाजत नहीं दी। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को इस मामले में हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। सहारनपुर की रायपुर नदी में स्टंट करते हुए कुछ बच्चों का वीडियो इसको लेकर सामने आया है, जहां कुछ बच्चे नदी के ऊपर बने पुल से स्टंट करते नजर आए। स्टंटबाजी करते हुए बच्चों का ये वीडियो मिर्जापुर की रायपुर नदी का है। बच्चे जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव में छलांग लगाते दिखे। हालांकि प्रशासन ने स्टंट करने पर रोक लगा रखी है। वहीं दूसरा वीडियो सहारनपुर की बड़ी नहर का है, जहां पुलिस चौकी से महज 10 से 15 कदम की दूरी पर छोटे छोटे बच्चे पुल के ऊपर से नहर में छलांग लगा रहे हैं, जिनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और कभी भी पानी का बहाव अचानक रौद रूप ले सकता है, जिस कारण पहले भी घटना हो चुकी है। पर चीन की बढ़ती पैंतरेबाजी से निपटने के लिए भारत ने अपने टैंकों और विध्वंसक को और विध्वंसक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय सेना 2,500 से ज्यादा टैंकों को आधुनिक उपकरण और खतरनाक हथियारों से लैस करने जा रही है, जिसके बाद इन टैंकों की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि ये एलएसी पर चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। कहा जा रहा है कि आधुनिक उपकरण और घातक हथियार लगाए जाने के बाद भारतीय सेना के ये टैंक और भी विनाशकारी हो जाएंगे। खबरों के मुताबिक जिन टैंकों में बदलाव किया जा रहा है, वो रूस के BMP-2 टैंक साल 1980 से ही भारतीय सेना में अपना दम दिखा रहे हैं। रूस के इन टैंकों को बेहद शक्तिशाली बताया जाता है, लेकिन इनकी एक कमजोरी भी है, वो ये कि ये टैंक रात में लड़ने की क्षमता नहीं रखते। इनमें थर्मल इमेजिंग फाइट कंट्रोल सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से रात होने के बाद या फिर धुआं, धूल या कोहरा होने पर ये काम करना बंद कर देते हैं। और यही वजह है कि इन टैंकों को अपग्रेड करना जरूरी हो गया था, खासकर ऐसे वक्त में जब चीन की सेना आए दिन LAC पर भारतीय सैनिकों को उकसाने का काम कर रही है। और चीन की इन्हीं हरकतों से निपटने के लिए इन ताकतवर टैंकों को बड़ी संख्या में पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है, लेकिन अपनी रात में न लड़ पाने की कमजोरी की वजह से ये उतने कारगर साबित नहीं हो रहे, जिसके बाद भारतीय सेना BMP-2 की बड़ी खामी को दूर करने के साथ उसे खतरनाक हथियारों से भी लैस करने जा रही है। इन टैंकों में सबसे बड़ा बदलाव सी थ्रू आर्मर तकनीक होगी, जो अंदर बैठे जवान को बाहर की हर चीज 360 डिग्री तक देखने में मदद करेगी। मतलब ये कि टैंक के अंदर बैठकर ही जवान उसके चारों तरफ आसानी से देख पाएगा। खबर के मुताबिक इसके लिए टैंक में 6 कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे टैंक के बाहर आसपास नजर रखने वाले जवान के हेलमेट से जुड़े होंगे और उसकी मदद से टैंक के अंदर बैठा जवान हर चीज को आसानी से देख पाएगा। और बताया जा रहा है कि टैंक में इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद वो रात के वक्त भी बेहद घातक साबित होगा। इसके साथ ही BMP-2 में ऐसे हथियार भी लगाए जा रहे हैं जो ड्रोन को हवा में ही ढेर कर देंगे। यानी टैंक में लगाए जाने वाले ये आधुनिक हथियार उसे ड्रोन हमले से बचाने में मदद करेंगे। कहा जा रहा है कि टैंक में ऐसे सेंसर लगाए जा रहे हैं जो खुद ही टारगेट का पता लगा लेंगे और इसके बाद ड्रोन के हमला करने से पहले ही उसे मार गिराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन टैंकों को अपग्रेड करने के लिए FICV यानी फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल नाम से एक अलग कार्यक्रम ही चलाया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि 2,500 से ज्यादा टैंकों को अपग्रेड करने के लिए 3 कंपनियों को काम भी सौंप दिया गया है। सोनाली मामले की जांच अब हरियाणा पहुंच गई। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट मौत केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी। साथ ही जांच के लिए एक टीम भी हरियाणा भेजी। DYSP लेवल का ऑफिसर यहां पे इंक्वायरी करेगा। सोनाली फोगाट के परिवार ने फिर इस मामले की जांच CBI से करवाने की मांग उठाई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि CBI इन्वेस्टिगेशन हो। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने सोनाली के परिवार से मुलाकात की और उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
जहां तक नजर जाए उधर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खेत खलिहान सब पानी की जद में आ गए हैं। किसानों की कई सौ बीघा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है, जिस वजह से लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी आने पर तो समस्या बहुत हो जाती है, लेकिन फिलहाल सरकार के माध्यम से डोंगा चल रहा है, वही सब आते जाते हैं। जो कुछ अपन लोग फसल तो पूरा नुकसान हो गई सबको। गंगा किनारे सभी घाट पानी में डूब गए हैं। मंदिरों और आसपास की इमारतों में भी पानी आंख मिचोली खेल रहा है। उधर कुछ बच्चे भी बाढ़ के पानी में खेलते नजर आ रहे हैं। गणेश उत्सव पर 26/11 जैसे हमले की धमकी मिलने के बाद मुंबई में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। बताया जा रहा है कि गणेश उत्सव के दौरान 25,000 पुलिसकर्मी शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इसलिए गणेश उत्सव से एक दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर और जॉइंट सीपी मशहूर लाल बाग के राजा के पंडाल में पहुंचे। डेफिनेटली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, लोगों का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। वहां पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस गणपति पंडाल के अलग अलग हिस्सों में जाकर दोनों पुलिस अफसरों ने बारीकी से सुरक्षा के इंतजामों को देखा ताकि गणेश उत्सव के दौरान कोई भी शहर की सुरक्षा में सेंध न लगा सके। इसलिए पुलिस अधिकारियों ने लाल बाग के राजा के पंडाल के साथ पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में लेने के निर्देश दिए, जिसके लिए उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भी बात की। साथ ही पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि किस तरह से गणेश उत्सव पर उमड़ने वाली भीड़ पर काबू पाना होगा। इसलिए उन्होंने खुद न सिर्फ इस गणपति पंडाल के अंदर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया बल्कि उसके आसपास मौजूद मार्केट को भी घूम घूम कर देखा। कुछ इसी तरह के इंतजाम सिद्धि विनायक मंदिर में भी किए गए। मंदिर के बाहर भीड़ को बेकाबू होने से रोकने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया। कांस्टेबल जो है वो सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर लगातार तैनात किए गए हैं। बीते 2 साल से कोरोना के कारण पाबंदियों के बीच गणेश उत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार वो बंदिशें नहीं है। लेकिन आतंकी हमले की धमकी मिलने के बाद से पुलिस अलर्ट पर है और शहर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि सीसीटीवी कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा सके। दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर फिर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच सदन में नारेबाजी हुई। इस दौरान दोनों दलों के विधायक वेल में भी पहुंच गए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की मौजूदगी में पीएनबी बैंक में उनके लॉकरों की जांच की। खबर है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों का सीएजी ऑडिट न होने पर अधिकारियों से जवाब मांगा। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश के बाद गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर के आसपास कई इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। सबसे ज्यादा हालात खराब बगडेर के हैं। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। ग्रामीण अपने अपने घरों के आगे या आसपास में मचान बनाकर रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे खतरा भी, अगर पानी का तेज बहाव आता है तो कई बार मचान गिर जाती है। पिछले साल इस गांव में जब बाढ़ का पानी आया था तो लोगों ने पेड़ों पर अपना आशियाना बनाया था, लेकिन इस बार पेड़ नहीं रहने के कारण लोग मचान बनाकर बाढ़ का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अभी तक शासन प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली है, जिसकी वजह से उनमें गुस्सा भी है। LAC पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने की खबर है। चीन की सेना ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो भारतीय फौज को उकसाने वाली हैं, वो भी तब जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। लेकिन फिर भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय फौज को उकसाने वाली हरकत की है। एक तरफ दोनों देशों की फौज के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के 16 राउंड हो चुके हैं, दूसरी तरफ चीन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बार विवाद पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में हुआ। ये जगह भारत की है जिस पर हमेशा से भारत का कब्जा रहा है, लेकिन 21 अगस्त को जब लद्दाख के कुछ चरवाहे वहां अपने जानवरों के साथ पहुंचे तो चीन के सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और उस जगह पर अपना कब्जा होने का दावा कर दिया। चीनी PLA ने भारतीय चरवाहों को पशु चराने से रोक दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इस मसले को साथ के साथ स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया। इससे पहले 2019 में भी चीन ने कुछ ऐसी ही हरकतें की थी। उस वक्त भी चरवाहों को भारत की जमीन से ही खदेड़ने की घटनाएं सामने आई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि दोनों सेनाओं में तनाव बढ़ता चला गया और 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी। एक बार फिर चीन की सेना की हरकतें किसी बड़ी घटना की वजह बन सकती हैं, क्योंकि पहले से पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और किसी भी सूरत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रफाल, मिराज और MiG-29 की न सिर्फ तैनाती की गई है बल्कि भारत के फाइटर जेट रात के अंधेरे में भी उड़ाने भर रहे हैं।
पहले भी डेमचौक इलाके में चीन की सेना ऐसी ही शरारतें कर चुकी है, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई की खबरें आई थी। इस बार हालात पहले से अलग हैं। भारत पहले से ज्यादा तैयार है। दूसरी तरफ चीन भी बार बार भारतीय फौज को उकसाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। भारत के चरवाहों को रोकने से पहले चीन के लड़ाकू जहाज भी भारत को उकसाने वाली हरकतें कर चुके हैं। कई बार चीन के जंगी जहाज LAC के बेहद करीब उड़ान भर चुके हैं। हालांकि हर बार भारत ने संयम से काम लेते हुए टकराव को टालने की कोशिश की है, लेकिन इस बार चीन की ये हरकतें किसी बड़े विवाद की वजह बन सकती हैं। पाकिस्तान में नाबालिग के साथ दरिंदगी पर भारत में गुस्सा भड़क गया। पाकिस्तान में एक नाबालिग के रेप के मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में प्रदर्शन किया। गुजरात के गांधीनगर के एक पार्क में बब्बर शेर और हिरण समेत कई दूसरे जानवरों के रेप्लिका लगाए गए। जानवरों पर लोगों को जागरूक करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक कदम उठाया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज में कॉर्पोरेट मामलों के डायरेक्टर और राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी भी मौजूद रहे। रिलायंस तरफ थी अत्यारे सी माटे बहु काम थाय छे सासण गीरमा गीर माटे रिलायंस अने हुं व्यक्तिगत अपना वडाप्रधान ना मार्गदर्शन नीचे अपने आ काम करीए छे। असम के करीमगंज इलाके में पुलिस ने एक नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रांची में बीजेपी की एक महिला नेता के घर से पुलिस ने एक लड़की का रेस्क्यू किया है। 8 साल तक लड़की को बंधक बनाकर वहां पर रखा गया था। महिला नेता रिटायर्ड IAS की पत्नी भी बताई जा रही है। पीड़िता ने एक सरकारी कर्मचारी को मैसेज भेजकर मदद मांगी थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी बीजेपी नेता के घर पहुंची और लड़की का वहां पर रेस्क्यू किया गया। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर